देखिए, सबसे पहले तो आज इस बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। हर उस कार्यकर्ता को ढेर सारी बधाई जिसने अपना खून पसीना बहाकर ना धूप देखते हुए, ना शाम देखते हुए, ना सर्दी देखते हुए, ना गर्मी देखते हुए, कमर तोड़ मेहनत करके आम आदमी पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया, उस एक एक कार्यकर्ता को मेरा सलाम और मेरी बधाई। आम आदमी पार्टी आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार पे बढ़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। मैं अक्सर कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप है। अभी हमें बने 10 साल ही हुए हैं, महज 10 साल, और इस एक दशक की यात्रा में आम आदमी पार्टी की 3 बार दिल्ली में सरकार बनी, राष्ट्रीय राजधानी में 3 बार सरकार बनी। उस सरकार को बनाने के लिए दिल्ली वालों ने आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश दिया। उसके बाद पंजाब में बहुत बड़े जनादेश की सरकार बनी, 117 विधायकों वाली पंजाब विधानसभा में 92 विधायक आम आदमी पार्टी को मिले। इसके साथ साथ 10 से ज्यादा हमारे सांसद रहे, कई राज्यों में, गुजरात गोवा में हमारे विधायक हैं, सैकड़ों काउंसलर हैं। एक बहुत तेज रफ्तार से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है, और इस बधाई के असल हकदार अगर कोई हैं तो वो देश के लोग हैं, भारत देश के हमारे प्यारे लोग हैं, जिन्होंने एक नए राजनीतिक एक्सपेरिमेंट को, इस राजनीतिक प्रयोग को अपने गले से लगाया, विश्वास किया, एक नई प्रकार की ईमानदार, अच्छी, साफ सुथरी राजनीति में विश्वास किया और एक मौका दिया हम आम घरों से आए बच्चों को, लोगों को, लड़के लड़कियों को, कि आओ, साथ आओ और देश की राजनीति को बदलो। और वो काम आज आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। मैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उनकी लीडरशिप में हम जैसे लाखों करोड़ों लोग एकजुट होकर इस कार्रवाई का हिस्सा बने और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत के लोगों को आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से बहुत उम्मीदें हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हम भारत के लोगों की इन उम्मीदों पे खरा उतर सकें, और जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और लोगों का दिल जीतती जा रही है, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता इस देश में बढ़ती जा रही है, वैसे ही बढ़ती रहे और सेवा का भरपूर मौका देश के लोग आम आदमी पार्टी को दे। बहुत बहुत बधाई, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल वर्कर्स ऑफ द आम आदमी पार्टी। आपको नेशनल पार्टी बनने के लिए एक मुकाम हासिल करना पड़ता है, आपको इतना वोट शेयर इस राज्य में चाहिए, आपकी इतने राज्यों में सरकार होनी चाहिए, इतने विधायक, इतने सांसद होने चाहिए, एक पूरा एक गणित है, उस गणित में जो फिट बैठता है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, उसके लिए मैं आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे याद है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का भी इतिहास देखें तो बीजेपी जो जनसंघ से निकली हुई पार्टी थी, जनसंघ का पूरा पैराफिनिलिया, पूरा सिस्टम होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जब बनी, उस पार्टी को 10 साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में। जब बीजेपी जनसंघ के सारे सिस्टम, पैराफिनिलिया और तमाम संसाधनों से निकली हुई पार्टी थी, उनके पास एक पूरा स्ट्रक्चर था, फिर भी बीजेपी को 10 साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में। और आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर 2 बड़े राज्यों में सरकार चला रही है, 2 बड़ी सरकारें चला रही है, महत्वपूर्ण सरकारें चला रही है, 10 से ज्यादा हमारे सांसद हैं, और एक बेहतरीन पारी की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने करी है अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व की। और अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता को मेरा सलाम, और करोड़ों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरी मुबारकबाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही आगे चलते रहो। इनकलाब जिंदाबाद।